मैं महाधुनाथ त्रिपाठी आज मैं फिर से उन स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को लेकर के सामने आया हुआ हूँ जिसको लेकर के वो परेशान रहते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स मेरे तक पहुँचती है, उनसे पूछते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो इस बार आया हुआ है फिजिक्स के बारे में आया हुआ है कि मैं फिजिक्स की तैयारी कैसे करूँ, तो मैं एक डिटेल यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ फिजिक्स के बारे में कि हम फिजिक्स की स्टडी कैसे, इसको कैसे पढ़ना है। तो कोई मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट कोई टफ नहीं होता है, बस हमें उसका प्रोसेसिंग देखना है कि हमें उसको पढ़ना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये हमें जानना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि हम पढ़े कैसे। तो पढ़े कैसे, पढ़ने का एक ही तरीका है। देखो, पढ़ने का सिर्फ एक तरीका है कि बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, मुहूर्त नहीं निकलेगा इसका कि तुम कब पढ़ो, कैसे पढ़ो, किस टाइम पढ़ो। जब मन कर रहा तब बैठ जाओ, नहीं मन कर रहा तो भी बैठ जाओ, क्योंकि मालूम है दिमाग जो है हमारा बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का होता है, इसको बेवकूफ़ बनाओ। अगर तुम एक घंटे नहीं बैठ सकते हो, बोलो कि चलो अच्छा ऐसा करो 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, ठीक है, दिमाग को बेवकूफ़ बनाओ, उसे कहो 10 मिनट के लिए बस पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है, तुम 10 मिनट के लिए बैठोगे तो हो सकता है 10 की जगह तुम 15 मिनट बैठ जाओ, आधे घंटे भी बैठ सकते हो, लेकिन बैठो किसी भी तरीके से, बुक को ओपन करके बैठ जाओ। पहले बैठोगे तभी तो पढ़ोगे, बैठना ही नहीं आएगा तो पढ़ नहीं सकते हो। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए पहले तो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, पर डे पढ़ो, एक घंटे ही पढ़ रहे हो, एक घंटे पढ़ो, हाफ एन आवर पढ़ने की कैपेसिटी तुम्हारी है अगर तो हाफ एन आवर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो फर्स्ट जो मेरा स्टेप्स है उसमें यही है कि अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखो, और पढ़ने की जो बात है डेली पढ़ो, हाफ एन आवर पढ़ो, वन आवर पढ़ो, जैसा कि आपको जितनी आपकी कैपेसिटी हो पढ़ो, लेकिन पढ़ो। एक चीज में है कि पढ़ना है आपको, ठीक है। सेकंड थिंग अगर आते हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ तो वो न्यूमेरिकल में बिजी होते हैं कि हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, मैंने कई बार अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स को मैथमेटिक्स मत समझो। फिजिक्स को क्यों मैथमेटिक्स समझ रहे हो, फिजिक्स एक फिजिक्स ही है, एक साइंस है, इसको फील करो। जिस दिन फिजिक्स को फील करना शुरू कर दिए, एक एक टॉपिक को फील करना शुरू कर दिए, तो समझ जाना फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। हर तरफ हम चारों तरफ फिजिक्स से घिरे हुए हैं, चारों तरफ जिधर देखोगे उधर फिजिक्स है, लेकिन सोचोगे तब तो समझ पाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा टॉपिक्स का, तब तो समझ पाओगे कि हम चारों तरफ फिजिक्स कैसे घिरे हुए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिजिक्स को समझने के लिए हर टॉपिक को पढ़ो, उसको फील करो। जब तक फीलिंग नहीं आएगी फिजिक्स की, तब तक जो फिजिक्स पढ़ने में मजा नहीं आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फिजिक्स को मैथ से मत जोड़ो। फिजिक्स के लिए मैथ्स ऑनली टूल, केवल एक टूल है। 11th में आप जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको, बल्कि कई बुकों में तो 0 लिखा होता है चैप्टर नंबर 0, और वो होता है मैथमेटिकल टूल्स। मतलब कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको कुछ टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, ना कि पूरे मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। टूल आपके पास है, कैलकुलेशन है, आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। लेकिन आप ये कहो कि हमें थ्योरी नहीं पढ़नी, बुक नहीं पढ़ना, तो बुक को पढ़ो। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हम लेक्चर्स देते हैं, टीचर्स आपके स्कूल में हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो लेक्चर बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं फिजिक्स पर, हर टॉपिक पे बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है और हो नहीं सकता है, ये कन्फर्म है कि हम सारे वीडियोज को, सारे टॉपिक को लाइन बाई लाइन जो आपकी बुक में है उसको हम वीडियो के सामने आपके सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और इतना लेंदी वीडियो भी कोई नहीं बना सकता है। तो हम वो आपको देते हैं जो आपके काम आएगा एग्जाम में, कंपटीशन में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स का उसमें अफोर्ड होता है बुक में, वो सब मिल करके बुक को लिखते हैं, इसलिए बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो कोई टीचर ये बोलता है बुक को मत पढ़ो, सिर्फ मेरे नोट्स को पढ़ो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बकवास है, सब बकवास है। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो पढ़ाते टाइम जो है कुछ चीज़ों को स्किप ना कर जाता हो, तो कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई पॉइंट स्किप हो जाता है। मैं भी पढ़ाता हूँ, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, क्यों हो सकता है कि ये चीज़ मेरे दिमाग कुछ टाइम आया नहीं, मैंने बताया नहीं उस वक्त। लेकिन आप बुक पढ़ोगे तो आपको बुक से समझ में आएगा कि क्या चीज़ें छूट गई। बुक में बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं, आपके टीचर आपको 5 एग्जाम्पल्स बताएंगे, लेकिन बुक में 10 एग्जाम्पल्स होंगे, आप कहीं तो नॉलेज गेन हो रहा है। तो बुक को पढ़ो, बुक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व तो बात की बात है। आप पहले बुक तो पढ़ो, ये बुक सॉल्व होना शुरू हो जाएगा।
तो ये लेकिन बुक को समझना शुरू कर दोगे, बुक के लाइन को समझना शुरू कर दोगे, तुम्हारे लिए फिजिक्स एक अलग ही दुनिया का एक अलग ही फील्ड लेकर के आएगा। और थर्ड टॉपिक है कि हमें बुक को तो पढ़ना है। आप कहीं भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो लोग कहते हैं कि क्लास अटेंड करने से कम उसकी रीडिंग लगा लो, पढ़ लो, जरूरी है, सही है। उससे आपका एक बार तो क्लास में आप जाते हो, कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तो कम से कम आपको नॉलेज में तो होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ाया जा रहा है उसका बेसिक्स आपको पता है तो समझने में इंजॉय होगा, मज़ा आएगा। लेकिन आपको बेसिक्स नहीं पता, आप इलेवंथ में हैं, आपको नाइन्थ टेंथ का बेसिक्स नहीं पता है तो आपको मज़ा नहीं आना है। फिजिक्स आपके यहाँ से निकल जाएगी। अभी उसका मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा यहाँ पर कि नाइन्थ टेंथ में जिन्होंने फिजिक्स को सही से नहीं पढ़ा, इलेवंथ में वो कैसे उसे झेल पाएंगे वो मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो दूंगा, मैं ट्रेलर दूंगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमें अपना जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ फोर्स, व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज मास, व्हाट इज वॉल्यूम, वेट, ठीक है, डेंसिटी, इन सब के बारे में अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, जैसे मैंने बार बार बोला ना, थियरी आप नहीं पढ़ते हो, आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इन सब के बीच का रिलेशन नहीं पता है, तो आपको फिजिक्स समझने में बहुत ही कठिनाई होने वाली है। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, बुक को पढ़ो और इनके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं तो कहूँगा एक अपनी पतली सी डायरी बनाओ, उसमें खासकर जितने भी टॉपिक आपके फिजिक्स में हैं उन सारे टॉपिक्स में जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उन डेफिनेशन को केवल एक बार लिख लो। दो से तीन लाइन में डेफिनेशंस होते हैं सारे, जितने भी क्वांटिटीज हैं हमारी, फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके डेफिनेशन लिखो, उनके फॉर्मूले लिखो और उसकी यूनिट लिख लो, ताकि ये चीज़ जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तब आप आगे उसको एक्सप्लेन करने में आप अपने आप को इजी फील करोगे, ठीक है। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात। अब आगे आते हैं हमें क्या करना है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हो, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो सॉल्व करना ही करना है, न्यूमेरिकल के बिना काम नहीं होने वाला, न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करना है, तो जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले कोई भी टॉपिक, जैसे आपने फोर्स को पढ़ा, न्यूटन के लॉ को पढ़ा, ठीक है, या ग्रेविटेशनल लॉ को पढ़ा, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के बेसिक क्वेश्चंस को उठाओ पहले, जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो, कि हम वैल्यू, अगर फॉर्मूले में चार पांच क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी मिसिंग होगी उसमें और बाकी क्वांटिटी गिवेन है, और आप सारी वैल्यू उसमें पुट करो और आंसर पाओ, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होने लगेंगे। उसके बाद वो भी बेसिक क्वेश्चन कहाँ से उठाओ, एग्जाम्पल से उठाओ, उसे एग्जाम्पल को देख करके सॉल्व करो, ठीक है, एग्जाम्पल में बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब बेसिक क्वेश्चन एग्जाम्पल के सॉल्व हो जाए तो उसी एग्जाम्पल में कुछ जो है ग्रेविटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ग्रेविटी लाइक मतलब इसमें वेट हो, थोड़ा सा वेट, थोड़ा टिपिकल हो, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी हाई हो, वैसे क्वेश्चन को उसमें चूज करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जब डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्पल से सॉल्व कर लिए हो, उसके बाद तुम एक्सरसाइज में जाओ, उसमें जो प्रॉब्लम्स गिवन हैं उस पर अटैक करो, उसको देखो कि हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि दोस्तों हमें अगर बेस हमारा अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। फिजिक्स में अगर हमें आगे बढ़ना है तो बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, एक एक टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए, हर टॉपिक क्या कर रहा है उसके एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करके हमें समझ में आना चाहिए कि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन क्या है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, मास क्या है, वेट क्या है, नहीं समझ में आ रहा उनको, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, कन्फ्यूज है, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसी में कन्फ्यूज है। तो ये सब जो बेसिक जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स हैं जो फिजिक्स के, इस बेसिक टर्म्स को अगर याद रखोगे तो आगे जब इसके बेस पर बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स या बड़े बड़े थ्योरम्स जो बने हुए हैं वो समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं बार बार यही कहूँगा, इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। आपके बेसिक्स अगर अच्छे हैं तो मैं जरूर कहूँगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी आपके सॉल्व होंगे, थ्योरम्स को भी सॉल्व कर पाओगे। कम से कम अगर फिजिक्स को फील नहीं कर पा रहे हो, अर्थ को अगर फील नहीं कर पा रहे हो, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो और अर्थ की फीलिंग ही नहीं आपके अंदर,
आपको लग रहा है, बार बार सोचते हो कि अर्थ पे हम अर्थ मूव कर रही है तो हम क्यों नहीं मूव कर रहे हैं, आपको फील नहीं हो रहा है कि आप जो इस अर्थ पर एक डस्ट पार्टिकल के बराबर हो अगर देखा जाए तो, ठीक है। जिस दिन इस चीजों को फील करना शुरू कर दिया आपने, अर्थ क्या है, यूनिवर्स क्या है, हम हैं कहां पर, अगर अपना पोजीशन आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि एक पूरे यूनिवर्स में ज्यादातर तो लोगों का कहना है कि मल्टी यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में मल्टी इन्फिनिटी इनफाइनाइट गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज में एक हमारी गैलेक्सीज है जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे, और उस मिल्की वे में इनफाइनाइट स्टार्स हैं, उन इनफाइनाइट स्टार्स में एक स्टार है सन, और सन का एक सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम में हमारे 8 से 9 जो हमारे प्लैनेट्स हैं, एक तो गायब ही हो गया, हटाई दिया गया उसे, तो वो प्लैनेट्स हैं, और ऐसे प्लैनेट बहुत सारे, हमने साइज के अकॉर्डिंग प्लैनेट को हमने डिसाइड कर दिया कि इससे छोटा जो भी हमारा प्लैनेट होगा उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोल देते हैं, तो उसको हम प्लैनेट में काउंट ही नहीं करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने अपने जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स को रखा है। अब उसमें एक प्लैनेट अर्थ है, उस अर्थ के बारे में भी अभी तक हमें 1% भी नहीं पता है उस अर्थ के बारे में, तो हम सोच सकते हैं कि हम कहां तक इसको अभी फील कर पाए हैं, हम अर्थ के ऊपर ऊपर तक जान पाए हैं केवल, अभी अर्थ के अंदर भी नहीं जा पाए हैं, क्या है कोर में असलियत में, वहां तक जाने का हमारे पास साधन नहीं है, साइंटिस्ट यहां तक सोच रहे कि हम अंदर तक चले जाए लेकिन वो नहीं जा सकते, उनके पास वैसे कोई रिसोर्सेज नहीं है। दोस्तों मैं बार बार यही कहूंगा कि फिजिक्स फील करने की चीज है, उसको फील करो, और छोटा नहीं है फिजिक्स, जितना ज्यादा तुम फिजिक्स को फील कर सकते हो फील करो, जिस दिन ये फीलिंग तुम्हारे अंदर फिजिक्स के लिए आ गई, हर चीज को तुम एक पिक्चराइज करके फिजिक्स के टॉपिक को देख पा रहे हो अगर, तो उस दिन से फिजिक्स तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है। तो अभी के लिए मुझे लगता है ये बहुत है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, और आप अच्छा करें, और मुझे विश्वास है आप अच्छा करेंगे, क्योंकि एक दृढ़ विश्वास आपके पास होना चाहिए, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास दृढ़ विश्वास, पेशेंस, दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप आगे निकल जाएंगे, अगर पेशेंस नहीं है तो आप रास्ते से फिर वापस आएंगे। और तमाम टॉपिक्स हैं, आपको आपके स्कूल में टीचर भी समझ नहीं आ रहा है फिजिक्स, यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, चैनल पर समझो, तमाम सारे यूट्यूबर्स जो है एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे हैं, अगर किसी का नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, बहुत सारे हैं, आप सर्च करोगे बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे फिजिक्स के लेक्चर्स को डालते हुए, जिसके भी लैंग्वेज आपको इजीली समझ में आ रही है उसे समझो, उसको फॉलो करो और समझो अच्छे से, ये आपके लिए बेटर होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, स्कूल में आप पढ़ते हैं, बाकी मैं आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमें बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं लेकर के आऊँ। और मैं कुछ यहाँ पर बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप जो है फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3-4-5 बुक्स हैं, मैं 9th से लेकर के 12th तक की कुछ बुक्स को बता रहा हूँ, मैं कुछ बुक्स मेरे पास हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में मैं बता दूँ। जैसे अगर आप 9th में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 9th में एक बुक है मेरे पास, जैसा मुझे लगता है सभी के पास ही होगी ये बुक, ये बुक जो है सभी को दिख रही, ये आपकी एश्चंद पब्लिकेशन की बुक है, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की बुक, काफी अच्छी बुक है, काफी डिटेल में इसमें चीजें दे रखी हैं, तो आप इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पूरी डिटेल में एक एक चीज को दे रखा, जिस लेवल की बुक है उसी लेवल पे दे रखा है, बहुत हाई फाइव भी नहीं के रख कर रखा है, इजी लैंग्वेज है, सेल्फ स्टडी के लिए बुक बहुत अच्छी है, आप खुद से पढ़ के कुछ समझ सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, अदरवाइज नहीं। 10th के लिए भी सेम यही बुक है, ये भी बुक आपके एक्सटर्नल पब्लिकेशन की है, उन्हीं राइटर की है, इसमें भी सेम डिटेल में सारी चीज़ें, कलरफुल डायग्राम्स हैं, सब कुछ है, बुक बहुत ही बेस्ट है, मुझे लगती है बुक बेस्ट है, और आप लोग भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, मैं कोई बुक का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बुक बेस्ट है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बुक अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी भी मर्ज़ी, आप कुछ और पढ़ते हो तो बेस्ट अपलग।
आप अच्छा सा पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, ठीक है। और बाकी अगर आ जाए हम 11th क्लास के लिए, तो 11th क्लास में बहुत सारी किताबें यहाँ पर हैं। तो 11th क्लास के लिए आप कौन सी किताब का प्रेफर करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ बुकें हैं जैसे सबसे बेस्ट राइटर जिसको सभी लोग मानते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिहाज से अगर देखा जाए, तो वो है हमारे SC वर्मा। SC वर्मा की बुक सबसे बेस्ट बुक है और काफ़ी सस्ती भी है मार्केट में ये सारे बुक के अकॉर्डिंग। ये 11th की बुक है, पार्ट 1 है, और सेम ऐसे इसमें एक पार्ट 2 भी है, ये बुक है। तो पार्ट 2 ये बुक है, ये भी SC वर्मा की बुक है। ये पार्ट 2 इनकी 12th बेस्ट के लिए बुक होती है, क्लास 12th के लिए। 20 काफ़ी पतली भी है और अच्छी भी है, सस्ती भी है। आपको ये दोनों की दोनों बुक करीब जो है मुझे लगता है 550 रुपीज़ में मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, अमेजन पे ले लो, कहीं भी ले लो, आप 550 में मिल जाएगी। और अगर आप सेल्फ स्टडी, लेकिन इस बुक से आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी इसको पढ़ो आप, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें हैं, कॉम्पिटिशन लेवल के हैं, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल इसमें हैं। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो बहुत सारी बुक मार्केट में है। मेरे पास एक बुक है जिसको मैं दिखा देता हूँ, वो ये है SL अरोरा की बुक। SL अरोरा की है ये, Volume 1 है, और इधर एक वॉल्यूम और भी है, दिस इज Volume 2। दो किताबें हैं SL अरोरा की, ठीक है। तो ये दोनों बुकें आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो मत लीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी के लिए क्योंकि यही बुक नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं सेल्फ स्टडी के लिए। ये हो गई प्रदीप की बुक हो गई, आती है प्रदीप की बुक ले सकते हैं, बहुत लोग बेस्ट बुक है वो प्रदीप की बुक, उसको पढ़ते हैं लोग। सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इस तरह की किताबों को ले सकते हैं, थोड़ी महंगी किताबें होती हैं लेकिन अच्छी हैं, बेसिक से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें गिवन है। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई बेकार बुक नहीं, कोई भी बुक आप उठा लो, SL अरोरा की मैंने कहा था, SL अरोरा की पढ़ो, कोई भी बुक आप जाओ वहाँ से परचेज करो और उसको पढ़ो, बेसिक से बेसिक चीज़ उसमें गिवन होती है, एंजॉय करो, पढ़ो अच्छे से करो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताओ। और बाकी हम जल्द ही कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।